पास खड़े हैं, पटवा हवेली इसको बोलते हैं। पटवा एक्चुअल में किसी का नाम नहीं है, पटवा एक उपाधि का काम है। जो पुराने टाइम में जितने भी मोती को पिरोना कपड़े के ऊपर जो काम किया जाता था उसको पटवा हवेली कहते थे। पटवा एक उपाधि के नाम के साथ में उनकी जो ओरिजिनली जो कास्ट थी वो थी बाफना। बाफना, उसवाल, कोठारी, जिंदानी, गरवा, ये टोटली फ्रॉम ऑफ जैन कास्ट। ये उनके पर्सनली घर हैं जो कम से कम 100 साल पुराने हैं। एक हवेली को का सिस्टम है, कहीं भी चूड़ा समय नहीं हुई है, पूरा लकड़ी की जैसे लगता है, लेकिन लकड़ी नहीं है। चूड़ा का पूरा आर्किटेक्ट अगर आप देखें तो माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्ट, जो लकड़ी के ऊपर नहीं कर सकते, इन्होंने कारीगरों ने पत्थर के पत्थर के छोड़ दिया। इनका अगर स्टैंडर्ड माने एटलीस्ट राजा के बराबर थी, पर राजा राजा था और राजा नहीं थे। इनका अपना प्राइवेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कुल ये 5 भाई थे, तो 5ों ने अपने 5 अलग अलग घर बनाए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दो अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट में, जो में आज भी वो फैमिली रहती है। एक में उन्होंने नया छोटा मोटा पुराना सामान इकट्ठा करके एक नया बिजनेस बना के रखा है कि लोग अंदर आएंगे देखेंगे। लेकिन मारवाड़ी होता क्या है कि दो जगह पैसा खर्च करता है, या तो मारवाड़ी पैसा खर्च करेगा शादी में, या मारवाड़ी पैसा खर्च करेगा मकान में। उसको मालूम है पैसा दिखेगा का, तो उसने फ्रंट में ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट आपके सामने करके छोड़ दिया है। माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्ट जैसलमेर की, जो पटवा हवेली जो जैसलमेर की फेमस है, जो लोग सात समुद्र पार जो देखने आते हैं, वो यहाँ की इस आर्किटेक्ट को सोचने की बात है कि उस टाइम में न तो इतना लाइट, न इतना आर्किटेक्ट, न लोगों के पास इतना इंजीनियरिंग सिस्टम, उस लोगों ने किस तरीके से इसको बनाया होगा रेगिस्तान के विभिन्न परिस्थितियों में और रेगिस्तान के विभिन्न इस 48 और 52 के टेम्परेचर में। तो ये पत्थर आज भी उसी तरीके से टिका है, वही गोल्डन पत्थर जैसलमेर की गोल्ड की मापिका।